ये कुछ लक्की पटियाल जो गैंग है उसके मेंबर्स, ये गाड़ी नंबर जो इसमें गाड़ी नंबर हमने दिया है PB65AJ0024 वाइट स्कॉर्पियो में, ये यहाँ पे चंडीगढ़ में आ रहे हैं ये लोग। और इनका आगे एक बलजीत चौधरी जो क्रिमिनल है चंडीगढ़ में भी, उस पर मुकदमे दर्ज है, उसको मारने की फिराक में है ये लोग। तो इसके ऊपर हमने नाका लगाया उधर 37 की मार्केट में, और वहाँ पे इनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट करके हमने रोका। उस टाइम पे थोड़ी हाथापाई वगैरह भी हुई है, तो इंजरीज वगैरह भी आई हैं। तो उसके बाद ये दो बंदे अरेस्ट हुए हैं, शिवम चौहान अलिया शिव, ये मोहाली के रहने वाला है, और एक विकास मान रेजिडेंट ऑफ करनाल। तो इनसे दो वेपन रिकवर हुए हैं और 7 लाइव ये कार्ट्रिज मिले हैं। तो इन दोनों का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जो शिवम है इसके ऊपर पहले 6 पर्चे हैं मोहाली में, और जिसमें रोबरी आर्म्स एक्ट NDPS के पर्चे हैं, और जो विकास है इसके ऊपर 3 पर्चे हैं पंजाब में और अम्बाला में डकैती असॉल्ट, और इनमें से एक पर्चा कल का ही पर्चा है। पंजाब पुलिस भी इनकी तलाश में थी, कल उन्होंने भी एक पर्चा करा है SOC मोहाली ने, तो उस पर्चे में भी ये वांटेड है। किस तरह का क्राइम सी जो क्या है इनका प्रीवियस रिकॉर्ड? जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है, जैसे आपको बताया इनके ऊपर 307 का पर्चा है, आम जग का पर्चा है, NDPS का पर्चा है। ये यही काम करते थे जी, मर्डर करने की कोशिश करते थे इन्होंने पहले, जैसे अभी इस वाले में ये बलजीत चौधरी जो है पहले ये क्रिमिनल है, तो इसका इनका कल प्लान था कि एक मोहाली में इनको मर्डर करने जाना है, तो लक्की पटियाल से डायरेक्ट लोग ये लोग टच में थे, तो वही इसको डायरेक्शंस देता था। बलजीत चौधरी जिनके पहले पर्चे दर्ज हैं चंडीगढ़ में भी, DMCH 32 में फायरिंग हुई थी। बलजीत चौधरी लॉरेंस ग्रुप का है, ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं है उसका डिफाइंड, बट ये जो इसमें जो शिवम चौहान है और बलजीत चौधरी है, दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, दोनों ने साथ में काम भी किया है कुछ। इनका एक PB65 क्लब करके एक रेस्टोरेंट होता था खगड़ में, तो पहले ये साथ में थे, तो बाद में इनकी दुश्मनी हुई, तो इसको इसकी इंटेरोगेशन में आ रहा है कि इसको डर था कि बलजीत चौधरी इसको मारेगा, तो इसने लक्की पटियाल से कॉन्टैक्ट किया कि ये उसको मार सके। तो यानी लक्की पटियाल के कहने पर इन्होंने बलजीत चौधरी को मारने की प्लानिंग वगैरह की? बिल्कुल 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 जी, बाकी अभी फर्दर उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। सर वेपन वगैरह क्या क्या? अभी इनसे दो वेपन रिकवर हुए हैं 32 बोर्ड के। सर अभी तक इन्वेस्टिगेशन दौर आया हूँ कि बम्बीना ग्रुप जो लक्की पटियाल की आपने बात की है, लॉरेंस, ये सारे ग्रुप आपस में उनकी पहले से चल रही है? हाँ जी बिल्कुल, ये लक्की पटियाल के जैसे मैंने बताया डायरेक्ट टच में थे, अब इनका और पूरा क्या नेटवर्क है, इनकी पुलिस रिमांड लेंगे और इन चीज़ों को। सर क्या है, पंजाब में भी एनकाउंटर हुआ है और